जिला कलेक्टर ने गुडली रात्रीय चौपाल में सुनी समस्याएं, मौके पर किया समस्याओं का समाधान। बूंदी ग्रामीण जनों की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को केशव राय पाटन पंचायत समिति की गुडली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने और मौके पर ही उनका निस्तारण कर राहत दी। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी दी और निर्देश दिए कि गांव में पेयजल के लिए टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति सुचारू रहे और ग्रामीणों को परेशानी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय की छतर की शीघ्र मरम्मत करवाई जाए। इसके अलावा शमशान के रास्ते की व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करवाया जाए। साथ ही अतिक्रमण के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए जाए। जनसुनवाई के दौरान विकलांग प्रमाण पत्र के प्रकरण के जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाए। रात्रि चौपाल के दौरान उपखंड अधिकारी केशव राय पाटन, दीपक महावर, तहसीलदार, विकास अधिकारी सरपंच सत्य नारायण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। साथ ही जो यहाँ के परिवार हैं उनको सुने और मेनली जो स्वच्छता और नाली और इस अतिक्रमण के कुछ इश्यूज आए हैं उसके संबंधित अधिकारी को निर्देश किए गए और जिसकी जल्दी सत्ता पर मैं उनसे कार्रवाई करती हूँ। पानी को प्राप्त करें और सर थोड़ा सा ये जनसंख्या नहीं, अभी जनसंख्या जैसे काफ़ी परिवार प्राप्त हुए हैं पर अब फिर अब इसमें अब निर्देश यही रहेंगे कि अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाए। ये हमारी तरफ से भी वैसे दो दिन पहले ही प्रोग्राम बना था तो अगर थोड़ा सूचना का भाव रहा है तो उसमें एक बार सभी को अवगत कराएंगे। मीडियाकर्मी को भीड़ कैसा मानते हो सर? क्या जी, मीडियाकर्मी को भीड़ कैसा मानते हो?